शाम का समय हो चुका है और ऐसे में देखिए दिलदार नगर के मेला मंडी में एक भैंस की बिक्री हो रही है। एक भैंस आप लोग के सामने बिक रही है, ऊंची और लंबी भैंस है। इसके पास बच्चा हम देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे पड़िया पड़िया ही है। और जो खरीदार व्यक्ति हैं वो देखिए यहाँ पे बारीकी से इस भैंस को देख रहे हैं, परख रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इसकी खरीदारी जो खरीदी करने वाले व्यक्ति हैं वो कितने रुपए में कर रहे हैं। अच्छी भैंस है, 10 लीटर दूध कहीं भी नहीं दिया है। बच्चा देखिए ये पड़िया 10-11 लीटर दूध के लिए भैंस उचित, इससे कम दूध नहीं होगा। कितना में बिके है चाचा? 70 पूरे पूरे इसकी बिक्री यहाँ पे 70,000 रुपये में बताई जा रही है, पक्की खबर दी जा रही है। खरीदार व्यक्ति मध्य प्रदेश से आए हैं, मध्य प्रदेश से, कटनी से बताए जा रहे हैं। विक्की यादव नाम है। कितने में लिए हैं भैया? 75। कोई 70 बोल रहा है, कोई 75 बोल रहा है, खेल है क्या कोई? सही बोलिए कितने में हुई है? 75,500। रियल कीमत बताया जा रहा है 75 पे ही हुई है। घर के लिए है ना भैया, ये सेल आउट के लिए नहीं है। अच्छी भैंस है। शाम के समय में लोगों में काफी तेजी होती है, एक खरीदार व्यक्ति और एक बेचने वाले व्यक्ति के बीच। बेचने वाला व्यक्ति चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी अपनी भैंसों को बेच करके चले जाएं, और खरीदने वाला व्यक्ति भी चाहता है कि जल्दी से जल्दी भैंस खरीद लें। क्या भैया? ये भैया इस भैंस को अगले से अगले हफ्ता वाले में ही लेके आ रहे हैं। क्या भैया दूसरी बार आई है ना? शायद दूसरी बार आई, अगले हफ्ता भी आई थी और इस बार भी आ रही है। आइए भैया इधर लेके आइए, इसमें थोड़ी भदावरी की मात्रा है, ये भाई लोग काफी दूरी से आते हैं। क्या भैया कहाँ से? काराकाट से। भैया अगले हफ्ता से ही इसकी मांग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं इनकी बिक्री नहीं हो रही है। क्या दाम मांग रहे हैं? दाम तो मांग रहे हैं 150। और जाएगी कितने में? दे देंगे 120 रुपए। 120 रुपए। शायद भैया के मनमाने रेट की वजह से ही लोग इसकी खरीदी नहीं किए हैं। बच्चा पड़िया है। वैसे अपने नज़र से इस भैंस का कीमत बहुत होना चाहिए तो 75 से 70 के आसपास, इससे ज़्यादा नहीं। लोगों में काफ़ी उत्सुकता रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शाम को ही भैंस खरीदेंगे, इसलिए पूरा मेला मंडी ठहर करते हैं, शाम की खरीदी को अच्छा समझते हैं। यहाँ एक और भैंस की बिक्री हो रही है, ये चाचा जो अधेड़ उम्र के हैं वही इस भैंस को खरीद रहे हैं। ले खाइए नहीं खाता आपको क्या करी? कितना बेच रहे हैं? 40। कितना में बेचे हैं चाचा? 40,000। पूरे पूरे इसकी यहाँ पे बिक्री 40,000 रुपए में हो रही है। बच्चा इसके पास पड़िया है। अच्छे भैंस है, बजट में है। कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि इसकी जो खरीदारी ये खरीदार व्यक्ति कर रहे हैं क्या उनके लिए उचित है ना। शाम के समय में खरीदी में थोड़ा ये अच्छा होता है कि भाव में मिल जाती है भैंस। ले आइए भैया इधर, थोड़ा ले आइए इधर, ले आइए।
इस मेला मंडी से हम शाम के समय में बिकाऊ भैंसों को भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो नसीब करे कुछ जिसके नसीब में होगी उसके यहाँ चली जाएगी। क्या दाम मांग रहे हैं भैया? दाम तो अगर मांग 85,000। कहाँ तक होगी? 76। 75 76,000 रुपये में भैया इसको बता रहे हैं, क्योंकि 70 के अंदर अंदर आ जाए तो उचित। दस लीटर दूध के लिए भैंस सबसे सही है। कुछ दिनों से हमारी वीडियो फेसबुक पे आ रही है ना, हमारी असली आईडी विपिन सिंह पे है ना। हमारी वीडियो को कोई और भी यूज कर रहा था, लेकिन इसको देखते हुए हम कहीं ना कहीं अपनी असली आईडी से अपनी ये यूट्यूब की वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ फेसबुक में। तो लाइक करते हैं फेसबुक में, तो वहाँ से शेयर भी कर दिया करें प्रसाद की तरह, ताकि लोगों में कहीं ना कहीं जानकारी हो, लोग जाने कि हमारी असली वीडियो फेसबुक पे भी मिल रही है, वो भी हमारी असली आईडी पे। शेयर का बटन है ना, तो शेयर कर दिया करें। चलो ठीक है, और ऐसा लाइक कर दिया करें। ओके ओके, हाँ ठीक है। शाम के समय में देखिए यही सब बिकाऊ भैंसें अभी दिखाई दे रही हैं। हमें लग रहा है कि 400-500 भैंसें अभी शेष बची होंगी, इससे कम नहीं। अगर हम पूरा मेला मंडी को घूमेंगे तो कुछ ज़्यादा ही भैंसें नज़र आ सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं मेला मंडी का क्षेत्रफल भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए चारों तरफ घूम के दिखाना बहुत ही मुश्किल है। लोग अपनी ज़रूरत और बजट के अनुसार भैंसों की खरीदी कर रहे हैं। भैंस किन लिया है, बहुत गलती किया है, फोटो खींच रहा था, भैंस खरीद लिया दो गो भैंस को हमारा नहीं लेता है। लेंगे, आपकी भी भैंस लेंगे। लिया है कि नहीं? लिए हैं। सऊदी वाले भाई का संपर्क आया था तो भैंस लिए थे ना? लिए थे। वही बात है, आपको ले जब आप भाग रहे हो, ये बात थोड़ी ना है कि हम ही से ना हो। एक और भैंस दिख रही है, बड़ी मार ले वो इसका घाव लग गया उसका। हैदराबाद के एक व्यापारी हैं। ओहो, छट गई है, फट रहा है। रामानंद जी इधर आइए, हमारे साथ भी थोड़ा सा समय दीजिए। जब हम आपके साथ समय दे रहे हैं तो आइए आइए। जैसे मान लीजिए ये लड़का है, इस भैंस को बेच रहा है, कितना मांग रहा था आपसे? 55 कह रहे हैं। 55 कह रहा है, और आप कितना कह रहे हैं? 45। रामानंद जी, हम आपका इसलिए सहारा ले रहे हैं कि लोग और दुनिया कहीं ना कहीं ये जरूर जानेगी कि एक बेचने वाले व्यापारी की जो कीमत है, आप लेने वाले व्यक्ति हैं तो क्या लगा रहे हैं? कहीं ना कहीं आप एक ग्राहक के रूप में हैं। 45 लगा रहे हैं। अनुभव वाले व्यक्ति हैं, बनारस के पूरे लोग इन्हें जानते हैं, पहले के पहलवानी भी कर चुके हैं। कहाँ पे पहलवानी करते थे? बनारस। किस जगह पे? केसरी लाल जी पहलवान के। ओ, अपने यहाँ अपने तरफ से भैया ये 45 लगा रहे हैं। बच्चा पानी है क्या? पानी एक बनारी है। इस मेला मंडी से देखिए हम कड़ी मेहनत से एक एक भैंस निकाले हैं, गिनती की 6 भैंसें निकाले हैं। ये सब के सब दुधारू भैंस है, डेयरी फार्म में उपयोग होंगी। इसमें कुछ ब्याई भी भैंसे हैं, सब के सब 60-65 की रेंज की भैंसे हैं।
काफ़ी मेहनत से इन भैंसों को हम खरीदे हैं। यहाँ देखिए ये गाभिन भैंस है भदावरी में, ये सब की सब भैंसें एक गाड़ी के द्वारा जाएंगी, गाड़ी मालिक के रहे हैं, नाम है टुनटुन सिंह, सभी लोग जानते हैं, है ना चचा? कहीं भी भैंस ले जाना होगा तो यहाँ से चली जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं।